नमस्कार, मैं हूं शिल्पा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, कल शाम एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। सिर्फ यही नहीं, एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया। पुराने उदयपुर शहर के एक टेलर के दुकान पर दो शख्स ग्राहक बनकर आते हैं। उन दोनों में से एक अपनी नाप टेलर को देता है और दूसरा वीडियो बना रहा होता है। ये सब कुछ 30 सेकंड तक चलता रहता है और फिर दूसरा आदमी वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर लेता है। और जैसे ही कन्हैया कपड़ों की नाप कागज़ पर नोट करने लगते हैं, वैसे ही दोनों आदमी कन्हैया को पकड़ने लगते हैं। और तब कन्हैया लाल पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हो। लेकिन अपनी हैवानियत दिखाते हुए दोनों आदमी एक मोटा सा चाकू निकाल कर उनकी गर्दन पर चलाते रहते हैं। कन्हैया चिल्लाते हैं, लेकिन दोनों आदमियों ने उनकी एक ना सुनी। तब तक वार करते रहे जब तक उनकी जान नहीं चली गई। अब ऐसा क्यों हुआ है ये भी जान लीजिए। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट शो में मुस्लिमों के द्वारा पूजे जाने वाले पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा भड़की और कई लोगों के घायल और मारे जाने की खबरें भी आईं। उनके इस बयान के बाद नुपुर शर्मा के मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। बार बार उनको मारने की धमकी मिलने लगी और उदयपुर के कन्हैया लाल ने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट लिखा, जिसके बाद कन्हैया लाल मुस्लिमों के निशाने पर आ गए और उनकी गला काटकर हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद सभी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू किया। अखिलेश यादव कहते हैं कि उदयपुर में जो उन्मादी हत्या हुई है उनकी जितनी निंदा हो वो कम है। आज समाज के हर व्यक्ति को आगे आना होगा, देश के भाईचारे को नफरत की भेंट चढ़ने से बचाना होगा। ऐसे आपराधिक तत्वों को समय रहते सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे देश के अमन चैन के दुश्मन इसका लाभ ना उठा सके। मायावती ने कहा कि राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी की आज की गई नृशंस हत्या अति दुखद है, जिसकी जितनी भी तीव्र निंदा व भर्त्सना की जाए वो कम है। सभी के संयम बरतने व शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। राजस्थान की सरकार दोषियों को सख्त कानूनी सजा दिलाना सुनिश्चित करने के साथ साथ हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए भी सभी जरूरी कदम तत्काल उठाए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि उदयपुर में युवक की हत्या के दोनों आरोपियों को राजसमंद से गिरफ्तार किया गया है। इस केस में अनुसंधान केस ऑफिसर स्कीम के तहत किया जाएगा एवं त्वरित अनुसंधान सुनिश्चित कर अपराधियों को न्यायालय से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। मैं पुनः सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि घटना बहुत बड़ी है, जघन्य है। मैंने कल भी कहा कि जितनी निंदा करें उतनी कम है और हमने इसलिए SIT गठित की है। SIT ने अपना काम शुरू कर दिया है। कल रात से ही जयपुर पहुंचते ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि जो भी खबरें आ रही हैं, जिसने हत्या की है उनके क्या प्लान थे, क्या षड्यंत्र था, किससे लिंक है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कोई ऐसी एजेंसी है क्या जिसने लिंक है, वो तमाम बातों का खुलासा होगा। दोस्तों, जिन दो हत्यारों ने कन्हैयालाल की हत्या की उसमें से एक का नाम मोहम्मद रियाज अख्तारी और दूसरे का नाम मोहम्मद गोस है। इस घटना के बाद उदयपुर में हिंसा बढ़ी, लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति को संभाला, ज्यादा हिंसा ना भड़के इसलिए उदयपुर में धारा 144 लगाकर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। दोस्तों, ऐसी घटना के बारे में आप क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। We'll be right back.